लोकसभा में पास होने के बाद आज जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि मनी बिल होने की वजह से इसका राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर अगले दो दिनों तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। देश भर में आज रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और रामनवमी के साथ आज मां दुर्गा के नवरात्रों का भी समापन हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने धर्म युद्ध में विजय पाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की थी और देवी दुर्गा से उन्हें असीम शक्ति की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामनवमी को स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और यही वजह है कि पूरे देश भर में रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद आज पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर रामनवमी समारोह मनाएगा। रामनवमी उद्यापन समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मदद करेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर 200 से ज्यादा कैंप होंगे और दूसरी तरफ वीएचपी लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जागरूक करेगी। आरएसएस के समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:15 बजे सीएम के सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग पे दोनों की मुलाकात होगी। शिवपाल यादव के सीएम से मिलने के क्या वजह है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे पहले शिवपाल के भतीजे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं और इस बीच शिवपाल ने कहा कि वो समाजवादियों को एकजुट करने का काम करेंगे। वहीं योगी शिवपाल की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी कयास तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है और किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया है। कर्ज माफी के लिए सरकार 36,359 करोड़ रुपए का किसान राहत बॉन्ड लाएगी और इस फैसले के लिए राज्य के 2,15,00,000 किसानों को इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा गाजीपुर के मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने को भी मंजूरी दी गई है और सरकार ने कहा कि अवैध बूचड़खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाएगा और गलत तरीके से कोई भी बूचड़खाना बंद नहीं किया जाएगा। यूपी के आलू किसानों को राहत देने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस साल गेहूं खरीद के लक्ष्य में भारी बढ़ोतरी की है और इस साल 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों की मॉनिटरिंग खुद मंत्री करेंगे। एंटी रोमियो दल को उत्पीड़न की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और नई औद्योगिक नीति के लिए मंत्री समूह का गठन भी किया जाएगा। साथ ही यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोशिश होंगी और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है, 30,729 करोड़। 40 लाख से शुरुआत की है, 40 लाख मैट्रिक टन पहले चरण में और टोटल जो लक्ष्य रखा है खरीद का वो 80 लाख मैट्रिक टन रखा है। यूपी में योगी सरकार के किसानों के कर्ज माफ करने के फैसले को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी ने पूरे कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी फैसले को अधूरा करार दिया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्ज माफी का फसली कर्ज माफी का वादा अधूरा सत्य है। अच्छा कदम है परंतु अर्ध सत्य है। 92,241 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का मात्र 36,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। आज भी 56,000 करोड़ का मियादी कर्जा यानी के टर्म लोन किसान के सर पर खड़ा है। ऊंट के मुंह में जीरा, नहीं हुआ वायदा पूरा।
योगी सरकार के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के बाद गोरखपुर में किसानों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, अब वो अपने परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। यह योजना के बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे कुछ किसानों का बहुत ही लाभ होगा और कुछ लोग मरने से जो उस कर्जदार पर नहीं देने लायक हैं वो जो है जो बार बार ये कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे, उस आधार पर उनके लिए बड़ी राहत होगी। किसान को ध्यान जरूर देना चाहिए किसान के ऊपर और उनको कर्ज माफ़ करना चाहिए। अभी देखिए वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत मानसून नहीं होगा, जिसमें किसानों को बहुत बड़ा एक बोझ पड़ने वाला है। कितने किसान बुंदेलखंड की तरह ऐसे ही या भाई यूपी में भी होने वाला है, तो इस पर भी महाराज जी को ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा ने जो है बुंदेलखंड के लिए जो है एक विशेष आयोग का गठन करने की बात कही थी, क्योंकि जो है बुंदेलखंड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सरकार को इस पर विशेष जो है एक अलग से पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए। किसानों का कर्ज माफ होगा, ऐसे लगभग 2.25 करोड़ किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक का माफ करके माननीय योगी जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो किसानों की सच्ची तैसी सरकार आई है और गरीबों दलितों मजलूमों की सरकार है। देखिए किसी भी देश में किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी किसानों की होती है, जो प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था भी तय करते हैं, तो यह निश्चित ही सराहनीय कदम है कि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। इलाहाबाद के लोग भी योगी सरकार के फैसले से खुश हैं और उन्होंने सरकार के फैसले को किसानों के हित में बताया। फैसले के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। रोमियो स्क्वाड जो योगी जी ने यूपी में चालू किया ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग जो है अति उत्साह में कुछ सही लोगों को भी परेशान कर दे रहा है। उस दिशा में जो है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई भाई बहन भी परेशान हो जा रहे हैं, पति पत्नियों को भी परेशान कर दिया जा रहा है। पब्लिक ने इसी के ऊपर उनको वोट भी दिया था, क्योंकि जिस तरह से छेड़खानी की और महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक शुरुआत भर है, इसको और भी बड़े पैमाने पर चलाना पड़ेगा। ये जो है जो इन्होंने बंद कर दिया है, अवैध बुचड़खाने बंद किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे काफ़ी गंदगी फैलती थी, बीमारियां फैलती थी, और जो लाइसेंस वाले हैं वो अपना चलें, वो तो एज इट इज चल रहा है। वादा किया गया था उसको इस तरीके से पूरा करके बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और इससे हमारे जो निर्धन और सीमांत किसान हैं उनको बहुत ही फायदा होगा, साथ साथ वे खेती की अच्छी उपज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। योगी जी ने फैसला लिया है वो काफ़ी सोच समझ कर लिया गया होगा, और अगर उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है तो शायद इस देश की इस यूपी की जनता या इस देश में जो होने वाले जो जो दर्शक इसको देख रहे होंगे वो इस बात से सहमत होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास के कामकाज में रफ्तार लाने के लिए अधिकारियों को 3 महीने का वक्त दिया है। वाराणसी में चल रही परियोजनाओं को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में सीएम ने खुद कहा कि युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि 3 महीने में ही बदलाव दिख सके। सीएम ने यह भी कहा कि वो अगले महीने खुद परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए वाराणसी जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। यहाँ बीजेपी नेता राजा बाल्मीकि को बदमाशों ने गोली मार दी, 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और फरार हो गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए अंकित मित्तल का रुख करते हैं। अंकित, कौन थे हमलावर और पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आए हैं, पुलिस फिलहाल क्या कर रही है, क्या एक्शन लेने की तैयारी है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो बदमाश है अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है, नहीं पुलिस अभी तक किसी की घेराबंदी करने के बाद भी किसी को गिरफ्तार कर पाई है। और जो राजा बाल्मीकि है वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया है। अब जो परिजन है गुस्सा है, कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने कदुल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया है और पुलिस उन्हें समझाने जुटाने में लगी है। जी जी, तो शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। Yeah,
तो उधर ट्रिपल तलाक के दंश ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को दर्द से भर दिया है और ऐसी ही कई पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की और इस दौरान महिलाओं ने अपना दर्द मंत्री से साझा किया। मंत्री ने बताया कि महिलाएं ट्रिपल तलाक और हलाला की समस्याओं से पीड़ित हैं, चूंकि हमारे संकल्प पत्र में भी इन समस्याओं से निदान का वादा किया गया था और इसीलिए अब इनकी बात को वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में ट्रिपल तलाक का, तीन तलाक का जिक्र किया है कि इसे हटना चाहिए, इसलिए ये लोग हम लोगों के पास आए हैं। ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे अधिकृत किया कि मैं इनकी बात सुनूं, समझूं और उसके बाद फिर मैं उन तक इनके फरियाद को लेकर जाऊं। आज आपने देखा कम से कम डेढ़ दर्जन दो दर्जन पीड़िता आई हैं, इनके साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनमें बहुत लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन दर्द सबका एक सा है। बहुत बड़ी तादाद में आज जो मर्द हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो अपनी वाइफ को किसी गुस्से में या किसी भी वजह से, उनका कहीं कोई अलग संबंध बन जाता है इसलिए, या नाराजगी में, बस हर वक्त बस तीन तलाक कहकर निकल लेते हैं। और इस तरह की लड़कियां जो यहाँ आई हैं, इनकी अगर आप किस्से सुनेंगे तो आपका दिल दहलेगा। हम लोगों से ये चाहती हैं कि हम लोग कुछ प्रबंधन करें, कुछ उनकी सहायता और मदद करें, तो चाहे वो कानूनी मशवरा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो, चाहे वो इनकी शिक्षा संबंधी हो, रोजगार, ये सारी बातें इनकी इस प्रतिवेदन में हैं। और अब हम लोग इनकी सारी बातों को लिखकर, इनकी मांगों को लिखकर और उसके बाद हम लोग, मैं मुख्यमंत्री जी को पेश करूंगी। ये लोग उनसे मिलना चाहती हैं, इनकी जो मांग है मिलने की उसको भी मैं उनके सामने रखूंगी, ताकि किसी फुर्सत की, जो थोड़ा इधर बहुत रश है, उनसे इनका, इनकी मुलाकात कराने की कोशिश करूँगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम रावत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, इसके साथ ही वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रावत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और एनएसए अजीत डोभाल के सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही दोनों के बीच राज्य में बढ़ रहे पलायन को लेकर भी चर्चा हुई। लोगों की, क्योंकि वो भी उत्तराखंड के हैं और इसलिए हम लोगों की एक तरह से वो पारिवारिक मिलन टाइप का कार्यक्रम था। जो भी बातें हुई वो जैसे सामान्य बातें होती हैं, सामान्य जो चिंताएं होती हैं और जो स्वरोजगार की दृष्टि वहाँ पर क्या हो सकता है, जो पलायन है उसको रोकने के लिए क्या 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 वहाँ पर किया जा सकता है, एक सामान्य बातचीत में बातचीतें सामने आई हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पर मिट्टी घोटाले का आरोप लगाया है। सुशील मोदी के मुताबिक तेज प्रताप ने पटना में लालू परिवार की जमीन पर बन रहे एक मॉल की बेकार मिट्टी पटना जू को 90 लाख रुपए में बेची और सुशील मोदी के मुताबिक जू को मिट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद ट्रैक बनाने के नाम पर बिना टेंडर के ही मिट्टी खरीदी गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने घोटाले के आरोपों से इनकार किया है। ना जांच कर लो ना, कोई इसमें किस चीज़ का हमको आपके आप लोग जांच कर लो, उसमें तो देखा कि शायद शो को कॉज किया है जो जो लोग लिखे थे। हमारा अगर हमको पैसा मिला होगा, हमारा परिवार को रुपया मिला होगा तो रिकॉर्ड में होगा ना भाई, लेजर फेजर बनाता है, कहाँ से क्या आया, क्या आमदनी आया, क्या खर्चा। हम तो उल्टे 1.5 साल से अपना गाय का गोबर फ्री चिड़ियाखाना में दे रहे हैं, फ्री। लखनऊ के हजरतगंज में महिलाओं ने तीन शराब की दुकानों पर जमकर तोड़फोड़ की और दुकानों को बंद करा दिया। ये महिलाएं अपने पति के शराब पीने की आदत से परेशान थी और इसी से गुस्से में आकर उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करा दिया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह स्थिति पर काबू पाया जा सका। वहीं शहर के गोमती नगर में भी महिलाओं ने शराब की अवैध दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी।
योगी सरकार के अवैध बूचड़खानों पर नॉनस्टॉप एक्शन से हड़कंप मचा है। मीट का कारोबार अवैध कारोबारी करने वाले की नींद उड़ चुकी है और लेकिन जगह जगह पर पकड़े जाने से साफ है कि मीट का अवैध कारोबार अभी भी चोरी छुपे चल रहा है। और ताजा मामला इलाहाबाद से सामने आया है जहां रोडवेज बस से करीब एक क्विंटल बीफ बरामद किया गया। इलाहाबाद के शिवकुटी थाना क्षेत्र से गुजर रही एक रोडवेज बस में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ यात्रियों को बस में मीट होने का शक हुआ। फौरन पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो करीब एक क्विंटल मीट बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं अपने कॉलेज जा रहा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, तो रास्ते में बस में कुछ बदबू आने लगी तो यात्री हंगामा करने लगे, तो उसके बाद वहाँ पे जो कंडक्टर के सीट के नीचे गौमांस से मतलब कुछ एक बोरी रखी थी उसमें से बदबू आ रही थी। जब उसको खोलने पर दिखा कि उसमें गौमांस है और उस बोरी को मैंने ड्राइवर को रखते हुए देखा था, तो मैंने बोला ये ड्राइवर रखा ये बोरी, तो सभी लोग बोले कि इसको खोलो। जब खोल के देखा गया था उसमें बहुत ज़्यादा मांस था और एक बोरी तो इसके नीचे थी और एक बोरी दूसरे सीट के नीचे छुपा के रखा था, तो दो बोरियों में तकरीबन एक क्विंटल गौमांस पकड़ा गया है। चंदौली में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से 17 किलो की चांदी लूट ली और लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की जिससे व्यापारी समेत दो लोग घायल हो गए। व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड की है जहां बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने ऑटो को रोककर व्यापारी से बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की जिसमें व्यापारी के साथ ही ऑटो में बैठी महिला को भी गोली लग गई। बदमाश 17 किलो की चांदी लूटकर फरार हो गए। विकास कुमार सोनी हैं, ये बनारस से सिल्वर के ऑर्नामेंट्स लेकर के चले थे और जैसा कि इनका कहना है कि जलीलपुर चौकी के थोड़ा कुछ दूरी आने पर इनके टेम्पो को ओवरटेक करके कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने इनका चांदी के जेवर का जो बैग था वो इनसे छीन लिया और जाते वक्त उन्होंने एक फायर भी किया जो कि एक टेम्पो में ही बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगा है। यूपी में निजी स्कूलों में फीस में बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने का भरोसा दिया था। इलाहाबाद में बड़ी तादाद में अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई फीस के खिलाफ कानून बनाने की अपील की। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूलों में हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है और प्राइवेट स्कूलों की फीस में इजाफे पर कोई सरकारी समिति नहीं है। वहीं जिला अधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों को भरोसा दिया कि उनकी बात सीएम तक पहुंचा दी जाएगी। हमारा कहना है कि प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये मनमाना जो कॉन्वेंट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं इसमें लगाम लगना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए कि कम से कम फीस लें और शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। यहाँ तो केवल फीस लेते हैं, शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटने का काम करते हैं, लोग परेशान होते हैं, हताश हैं। आज अपने बच्चों की इस महंगाई में कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम लोग जान सकते हैं। जी हाँ, मुझे दिया था, उस पर हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि BSA DIS के अतिरिक्त ADM FR और ADM सिटी और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ये पांच लोगों की समिति है जो बैठ करके सभी प्रिंसिपल के साथ चर्चा करेगी और कंपैरेटिव चार्ट भी बना के हमें देगी। यूपी में निजी स्कूलों की मनमानी के साथ ही किताबों की कालाबाजारी का भी खेल खेला जा रहा है जिसे रोकने के लिए अब आवाज उठने लगी है। दरअसल नए सेशन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लाखों छात्रों को किताबें नहीं मिल पा रही और इसकी वजह हमेशा से सेशन शुरू होने तक राजकीय प्रकाशनों का पुस्तकें बाजार में न आना है और जिसकी वजह से निजी प्रकाशनों की किताबें 2 से 3 गुने दामों पर बाजार में मिल रही हैं। जाहिर है बच्चों के भविष्य के खातिर अभिभावक ऊंचे दामों पर पाठ्य पुस्तकें खरीदने को मजबूर हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज की बंगाली कॉलोनी में मंगलवार को शाम 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मारपीट की खबर लगते ही पहले सितारगंज की पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद हालत और न बिगड़ जाए इसके लिए नानकमत्ता और खटीमा के थानों की पुलिस को भी वहां तैनात कर दिया गया। आरोप है कि कुछ लड़के ग्रामीणों को परेशान कर रहे थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने कोतवाली के गेट पर हंगामा किया जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा।
उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में सरकारी हॉस्पिटल के पीछे 10 एकड़ के खेत में आग लग गई, जिससे लाखों का गेहूं जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गेहूं की फसल जल चुकी थी। आग की खबर मिलते ही उप जिला अधिकारी ने नुकसान का अनुमान लगाने के लिए मंडी समिति के अधिकारियों को मौके पर भेजा। फिलहाल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील के गांव राम जीवनपुर में कई झुग्गियों में आग लग गई। हादसे में एक साल के बच्चे की जलकर मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और जब तक मौके पर दमकल की गाड़ियां आती तब तक बच्चे की जलकर मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि जिन लोगों की झुग्गियों में आग लगी है वो यहाँ पर खनन पर काम करने का दूसरे इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड में मंगलवार से मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चारधाम समेत ऊंची चोटियों पर शाम के वक्त हुआ हिमपात, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव का असर अभी भी देखा जा रहा है और मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में पारे में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य का ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, उत्तराखंड और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में कई जगह बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 11 अप्रैल तक मौसम इसी तरह सुहाना बने रहेगा और इसके बाद एक बार फिर पारा तेजी से चढ़ सकता है। उधर मध्य प्रदेश की विदिशा जेल की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। प्रशासन को जैसे ही जेल की दीवार गिरने की खबर लगी तो वो भारी तादाद में वहां पुलिस बल पहुंचा दिया गया। विदिशा जेल में 252 कैदी बंद हैं, जिनमें से कुछ महिला कैदी भी शामिल हैं। हादसे के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि भोपाल जेल ब्रेक के बाद भी एमपी की जेलों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा और दीवार की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। एमसीडी चुनाव में इस बार सभी पार्टियों ने पूर्वांचल के उम्मीदवारों पर दांव खेला है। पूर्वांचल के संबंध रखने वाले 500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आप और कांग्रेस ने 60-60 तो बीजेपी ने पूर्वांचल के 35 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पूर्वांचल पंचायत पार्टी ने सभी 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहने वाले कई लोगों ने एमसीडी चुनाव में वोट नहीं देने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीवर की समस्या को लेकर पार्षद और विधायकों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और सालों से वो इसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहां वार्ड से बीजेपी का कब्जा है और इस बार बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय ने समस्या सुलझाने का भरोसा दिया है और लोगों से मतदान का बहिष्कार न करने की अपील की है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकार चलाने में लगातार नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। योगेंद्र यादव के मुताबिक मानहानि के केस में सरकारी खजाने से वकील की फीस चुकाने का प्रस्ताव नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। एमपी के रतलाम के 14 साल के अब्दुल कादिर के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। अब्दुल कादिर के बिना हाथ के राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग कंपटीशन में 3 इवेंट्स में उसने मेडल्स जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है। जयपुर में आयोजित 16वें राष्ट्रीय स्विमिंग कंपटीशन में अब्दुल ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक में गोल्ड मेडल, 100 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल और 50 मीटर फ्रीस्टाइल में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। रतलाम पहुंचने पर अब्दुल का जोरदार स्वागत किया गया। हर कोई अब्दुल के इस हौसले को देखकर दंग है। आपको बता दें कि 3 साल पहले हादसे में अब्दुल ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और अब पैरों से लिखने और पेंटिंग और मोबाइल चलाना भी वो सीख चुके हैं। अब्दुल को 2 साल से स्विमिंग का शौक था और वो इसे पूरा करने में जुटे थे। पिछले साल भी अब्दुल ने कर्नाटक में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ग्वालियर में बन रही लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा अब यूरोप में लगेगी। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को यूरोप में स्थापित होने वाली लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा के ऑर्डर मिले हैं। यूरोप के लिए दीपक लाफिंग बुद्धा की 4 मूर्तियां तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए वे पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब उनका ये काम आखिरी दौर में चल रहा है। मुमकिन है कि 6 अप्रैल को ये मूर्तियां यूरोप के लिए रवाना कर दी जाएंगी और इन मूर्तियों की खासियत ये है कि इनका निर्माण ग्वालियर की के मिल्ट पत्थर से किया जा रहा है और जो कि मूर्ति कला के लिए बेहद
बेहतरीन माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बातचीत में उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया। सीरिया के इदलिब शहर में संदिग्ध केमिकल हमले की खबर है और हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि करीब 400 लोग बीमार हैं।